नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज अपन देखो जो लाइब्रेरियन साइंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की बात करेंगे, जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है और जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, उन दोनों की दोस्तों अपन बात करेंगे। दोनों में दोस्तों एक टॉपिक आपका टॉपिक कॉमन है और यहाँ से लगभग लगभग जैसे अपन बात करें राजस्थान जो लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, यहाँ से आपके सर्वाधिक क्वेश्चन से बन के आए थे। अब की बार जो 2019 का दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ है, यहाँ से आपका इसमें से क्वेश्चन आपके बन के नहीं आए, लेकिन अब की बार जो बनने के आपके चांस है। और दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और जो टॉपिक का दोस्तों अपन बात करेंगे, आज का टॉपिक का नाम है आपका भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या आपका दोस्तों? टॉपिक का जो नाम है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। देखो दोस्तों अपन बात करें, जो टॉपिक है आपका भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है, इसमें से दोस्तों अपन बात करेंगे, इसमें आपके दो टॉपिक, कितने टॉपिक आपके इसमें आपके दो टॉपिक है। एक तो दोस्तों आपका भाषा विभाग है और दूसरा कौन सा आपका पुस्तकालय विभाग है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके दो टॉपिक है, टॉपिक है कौन कौन सा आपका, एक तो भाषा विभाग है और दूसरा कौन सा आपका है यहाँ पर पुस्तकालय विभाग। ठीक है दोस्तों, अपन पहले इसमें से बात करेंगे आपका भाषा विभाग की बात करेंगे, उसके बाद में किसकी बात करेंगे आपके पुस्तकालय विभाग की अपन बात करेंगे। देखो जो पहला टॉपिक है आपका भाषा विभाग, दोनों पहले क्या थे, अलग अलग थे। ये दोनों विभाग क्या थे आपके, ये अलग अलग संचालित हो रहे थे, लेकिन बाद में इसको राज्य सरकार ने क्या करते दोनों को मर्ज किया था। लेकिन अपन पहले बात करते हैं आपके भाषा विभाग की बात करते हैं, भाषा विभाग होता क्या है और ये किसके लिए बनता है। पहला क्वेश्चन आपका है ये क्या है, पहला ही क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये भाषा विभाग किसके लिए कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो भाषा विभाग है ये किसके लिए कार्य करता है आपका, ये जो कार्य करता है भाषा विभाग आपकी हिंदी भाषा के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है, ये आपकी हिंदी भाषा के लिए कार्य करता है। देखो जब राजस्थान का एकीकरण होता है 1956 में संपूर्ण एकीकरण हुआ था, एकीकरण होने के बाद में आपके राजस्थान को या राज्य सरकार को एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब एकीकरण होने के बाद देखा गया, राज्य सरकार को लगा कि राजस्थान में अनेक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और राजस्थान में क्या होना चाहिए आपकी, एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए ना कि अनेक भाषाओं का। तो राज्य सरकार को लगा कि एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो राज्य सरकार को लगा, उसके बाद में क्या करती है राज्य सरकार, क्या करती है राज्य सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है। क्या लाया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों एक अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, उस अधिनियम की बात करते हैं, क्या अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम। जो उस अधिनियम की दोस्तों अपन बात करें, उस अधिनियम का क्या नाम है आपका, राजभाषा अधिनियम 1956। ठीक है, ये दोस्तों जो राजभाषा अधिनियम है ये किसके द्वारा लाया जाता है आपका, राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या लाना, क्या उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य एक ही था, आपके संपूर्ण राजस्थान में एक ही भाषा का प्रयोग करना, हिंदी भाषा का प्रयोग करना। इसलिए राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद देखो आपके राज्य सरकार के द्वारा ही आपकी भाषा अपन बोर्ड ने भाषा निदेशालय की स्थापना की। क्या किसकी स्थापना की आपकी, स्थापना दोस्तों की जाती है आपके भाषा निदेशालय की। दोस्तों जो भाषा निदेशालय की स्थापना की जाती है वह 1965 में स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इस भाषा विभाग के कार्य क्या क्या है। दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आप, ठीक है, तो अपने हाथ में अपन पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, तो ठीक है, जैसे जैसे आपको लगे इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, कि लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। देखो इसके अपन दोस्तों बात करते हैं, इसके जो भाषा विभाग है इसके कार्य क्या क्या है। तो देखो जो कार्य है, ये कार्य क्या क्या करता है वर्तमान समय में आपके इस भाषा विभाग, कार्य क्या है, हिंदी भाषा का अनिवार्य करना। पहला कार्य क्या है, हिंदी भाषा का अनिवार्य करना, हिंदी भाषा का अनिवार्य करना। ठीक है, अनिवार्य क्या कहाँ पर करेगा, हिंदी भाषा का अनिवार्य है केवल और केवल राजस्थान में। ये जो भाषा अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम है, कहाँ पर पारित होता है आपके, राजस्थान में। तो राजस्थान में पारित होता है केवल और केवल, कार्य कहाँ पर करेगा यह अधिनियम आपके, राजस्थान में ही कार्य करेगा, ना कि संपूर्ण भारत में कार्य करेगा। तो जो हिंदी को हिंदी भाषा का अनिवार्य किया है ये राजस्थान में किया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आपकी हिंदी भाषा का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, हिंदी भाषा क्या करना आपके, सुदृढ़ीकरण करना, हिंदी भाषा का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, या हिंदी भाषा का प्रशासनिक कार्यों, कहाँ पर आपके, प्रशासनिक कार्यों में। ठीक है, हिंदी भाषा का दोस्तों प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग का बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके जो आपका भाषा विभाग है, क्या करता है आपका भाषा विभाग, आपके भाषा विभाग दोस्तों आपकी
समय समय पर क्या है आपके दोस्तों, जो भाषा विभाग आपके ये समय समय पर क्या करता है आपका, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करता है। किसका करता है आपका, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, इसके अलावा ये क्या क्या करता है आपकी, इसके अलावा दोस्तों ये समय समय पर क्या करता है आपकी, समय समय पर, ठीक है, समय समय पर आपकी जो आपके सरकारी सरकारी कार्यालय है, ठीक है, इनमें क्या करवाता है, सरकार समय समय पर सरकारी कार्यालय व अन्य कार्यालय को, ठीक है, वह अन्य कार्यालय को पत्र लिखकर याद दिलवाता है। क्या करता है आपका, ये पत्र लिखकर याद दिलवाता है, ठीक है, क्या करता है ये आपका, पत्र लिखकर याद दिलवाता है। ये पत्र लिखकर याद किसको दिलवाता है, जो सरकारी कार्यालय है, जो प्राइवेट कार्यालय है उनको पत्र लिखकर याद दिलवाता है कि राजस्थान में आपकी राजभाषा अधिनियम पारित हो रखा 1956, इसके तहत क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या होगी आपकी बेसिक सी बात होगी, ठीक है, जिसके उद्देश्य की बात कर लिया, इसके कार्य की बात कर ली। देखो इसके बाद में क्या होता, इसी विभाग के द्वारा, भाषा विभाग के द्वारा दोस्तों एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। किसका प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, इसी विभाग के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। देखो पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया वो किस नाम से किया जाता है आपका, जो पत्रिका प्रकाशन किस नाम से कहता है तो दोस्तों वह कहता है आपका भाषा परिचय के नाम से। किसके नाम से कहता है आपके, ये भाषा परिचय के नाम से कहता है। जो भाषा परिचय के नाम से जो किया गया है किस वर्ष में किया गया, तो वर्ष की दोस्तों बात करिए, वर्ष 1972 में, जो दोस्तों जो लाइब्रेरियन का जो पेपर होता है लगभग लगभग हर एग्जाम में ध्यान रखना, या तो कभी किसी ना किसी विभाग की पत्रिका का नाम पूछा जाता है आपको, या पत्रिका का नाम पूछा नहीं जाता, या वर्ष के बारे में, या नहीं तो आपके आवृत्ति के बारे में, ठीक है। ये दोस्तों हर एग्जाम में कॉमन है, किसी न किसी वाक्य आपके पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों इसकी आवृत्ति की बात करें, जब इसका प्रकाशन हुआ था तो इस आवृत्ति क्या थी इसकी, तो आवृत्ति दोस्तों उस वक्त क्या थी इसकी, वार्षिक आवृत्ति थी, ठीक है। भाषा विभाग के द्वारा दोस्तों भाषा परिचय पत्र का प्रकाशन किया जाता है वर्ष 1972 से, तब इसकी आवृत्ति क्या थी, वार्षिक। देखो यहाँ पर जो आपकी आवृत्ति है इसमें एक बार दोस्तों संशोधन भी किया जाता है, जो क्या है आपकी दोस्तों, यहाँ पर जो आवृत्ति है इसमें एक बार संशोधन भी किया जाता है दोस्तों। वो संशोधन जो किया जाता है आपका, ये संशोधन मार्च 2000 में किया गया है, मार्च 2006 में क्या कहता है इसका संशोधन किया जाता है। किसमें संशोधन किया गया आपकी, इसकी आवृत्ति में, जो भाषा परिचय की पत्र की आवृत्ति है इसमें संशोधन किया गया मार्च 2006 में किया गया है, और इसकी क्या कर दी, आवृत्ति बदल दी। अब देखो इसकी वर्तमान में देखो आवृत्ति क्या हो गई, मार्च 2006 से इसकी जो आवृत्ति है दोस्तों वह क्या हो गया आपकी, त्रैमासिक क्या कर दी, इसकी आवृत्ति कर दी, देखा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, पहले जो इसकी आवृत्ति क्या थी आपकी, वार्षिक थी, ठीक है, मार्च 2006 से इसकी आवृत्ति क्या कर दी, त्रैमासिक कर दी। किसकी पत्रिका की, भाषा परिचय पत्रिका की आवृत्ति की बात कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करें आपकी, जो भाषा परिचय पत्रिका है, ठीक है, इसी परिचय पत्रिका का आपका निःशुल्क वितरण भी किया था। क्या कहता आपका दोस्तों, इसका निःशुल्क वितरण भी किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अपन बात करें, ये किसकी बात करें अपन, भाषा परिचय पत्रिका का निःशुल्क वितरण किया जाता है, ये कब किया जाता है आपका दोस्तों, ये किया जाता है आपका 14 सितंबर, कब किया जाएगा आपका ये निःशुल्क वितरण, कब किया जा रहा है, 14 सितंबर किया जा रहा है। 14 सितंबर को क्या आता है आपका, 14 सितंबर को दोस्तों आता है आपका हिंदी दिवस समारोह, क्या आता है, हिंदी दिवस समारोह, ठीक है दोस्तों। जो हिंदी दिवस समारोह भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा जो आयोजित करवाया जाता है, ठीक है, उस जो समारोह में आए मेहमानों को, मेहमानों किसका वितरण किया जाएगा आपका, निःशुल्क वितरण आपकी भाषा परिचय पत्रिका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। किनको किया जाएगा, तो हिंदी दिवस समारोह में आए मेहमानों को भाषा परिचय पत्रिका निःशुल्क वितरण किया जाए, कब किया जाए आपका, 14 सितंबर को किया जाता है, ठीक है। जबकि दोस्तों अपन बात करें, जो भाषा परिचय पत्रिका है इसका 40 रुपए है, ठीक है, जो कि वार्षिक शुल्क है, क्या है आपको ये 40 रुपए, क्या है आपको वार्षिक शुल्क देकर आपको इसकी सदस्यता प्राप्त करनी होती है, ठीक है। ये तो किसकी बात की दोस्तों, अपन केवल और केवल भाषा विभाग की अपन ने बात की है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं पुस्तकालय विभाग, केवल किसको, यहाँ से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग से टॉपिक निकल रहा है भाषा विभाग। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आपके पुस्तकालय विभाग की, देखो पुस्तकालय विभाग की बात करते हैं यहाँ पे, ये इन दोनों को मर्ज किया गया 31 जनवरी 2001 को, अपन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले की बात करें आपकी, जो पुस्तकालय विभाग है, ये पुस्तकालय विभाग किसके अधीन संचालित हो रहे थे आपके, अपन बात करें किसके अधीन,
क्या है आपका, ये किसके अधीन संचालित हो रहे थे। दोस्तों अपन बात करें किसके अधीन संचालित हो रहे थे, एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो पुस्तकालय विभाग है किसके अधीन संचालित हो रहे थे आपके, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन। किसके अधीन संचालित हो रहे थे आपके, माध्यमिक, दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखो जो पुस्तकालय विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आपके संचालित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित हो गए यहाँ पर, लेकिन क्या है राज्य सरकार को लगता है कि आपके पुस्तकालयों का क्या नहीं हो रहा, आपका विकास नहीं हो रहा, या अपन बोल सकते हैं दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार को लगता है, तो राज्य सरकार ने क्या कर दिया, इस माध्यमिक शिक्षा विभाग से, किससे आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग से, माध्यमिक शिक्षा विभाग से सन 2000 में, कब आपके सन 2000 में सार्वजनिक पुस्तकालयों को, या अपन दोस्तों बोल सकते हैं पुस्तकालय विभाग को, किसको आपके दोस्तों पुस्तकालय विभाग को अलग कर दिया, क्या कर दिया आपके पुस्तकालय विभाग को अलग कर दिया, सन 2000 में पुस्तकालय विभाग को अलग कर दिया। और अलग किससे कर दिया आपके दोस्तों, जो अलग किया है, अलग कर दिया है किससे किया है आपके, ये किया है माध्यमिक शिक्षा विभाग से, क्या कर दिया अलग कर दिया, और अलग करने का उद्देश्य क्या था कि आपके सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कर दिया अलग, अलग करने के बाद में देखो जो राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार लगता है, ठीक है, राज्य सरकार को क्या लगता है यहाँ पर आपके, देखो यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें जो राज्य सरकार है उसको लगता है कि आपके सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार दोस्तों क्या करती है, राज्य सरकार दोस्तों आपके एक राज्यादेश पारित करती है, क्या करती है आपके दोस्तों आपके एक राज्यादेश पारित करती है, जो राज्यादेश दोस्तों पारित करी है आपके, यह है दोस्तों आपके 31 जनवरी, कब करती है 31 जनवरी 2001 को राज्यादेश पारित करती है। ठीक है, राज्य सरकार ने इनको अलग कर दिया, अलग करने के बाद में आपके क्या किया, राज्य सरकार ने एक राज्यादेश पारित किया, कब किया है 31 जनवरी 2001 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो भाषा विभाग, कौन सा विभाग आपका, एक तो विभाग आपका भाषा विभाग, ठीक है, प्लस दूसरा विभाग कौन से की बात करें अपन, भाषा विभाग के अलावा का जो पुस्तकालय विभाग है, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, क्या कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मिलाया कब आपका 31 जनवरी 2001 को। देखो यहाँ पर इसके बाद की अपन बात करें, यहाँ पर मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका नया नाम उभर कर आता है, वह क्या आता है आपका, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, नया नाम उभर कर क्या आता है आपका, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग नया नाम उभर कर आता है। ठीक है, नया नाम उभर के रखा है आपका 31 जनवरी 2001 को राज्य सरकार ने राज्यादेश पारित किया, इसके बाद में भाषा विभाग और पुस्तकालय विभाग को क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग इसका नया नाम उभर कर आया। यहाँ पर देखो अगर दोस्तों आपको उद्देश्य पूछा जाए इसको क्यों मिलाया, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसका कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को क्यों मिलाया गया, तो क्यों मिलाया गया था, इसका मिलाने का उद्देश्य दोस्तों क्या था आपका, सार्वजनिक, क्या था आपका यहाँ पर, सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास। ठीक है, यहाँ पर जो उद्देश्य दोस्तों था क्या था आपका, सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, इसको मिला दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके बाद में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के आगे की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, या दोस्तों आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसकी बात करते हैं अपन आगे की। अपन देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आप जैसे दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते इसको नोट डाउन भी करते जाइए, या इसको बाद में इसको प्यूज करके इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आपको इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। एग्जाम के व्यू पॉइंट से दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2016 में यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके बन के आए हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग बन गया है, पहले दो दो विभागों को अलग अलग पढ़ लिया, क्या बन गया अब आपका नया नाम इसका, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है दोस्तों, कई गाइड्स में आपको मिलेगा 2000, क्या मिलेगा आपको 2000। ठीक है, गाइड्स में क्या बताया गया है कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को 2000 में मिलाया गया, तो 2000 में नहीं मिलाया गया है,
सन 2000 दिसंबर 2000 में क्या किया था आपके, दिसंबर 2000 में क्या किया था आपके, माध्यमिक शिक्षा विभाग से आपके पुस्तकालय विभाग को अलग किया था। और जो मिला था क्या है आपका 31 जनवरी 2001 को, ठीक है। गाइड्स में आपको गलत मिलता है वहां पर आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इसकी अपन बात करते हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की। देखो अपन बात करें दोस्तों आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की, तो वर्तमान समय में आपके सार्वजनिक पुस्तकालय कितने संचालित हो रहे हैं आपके इस भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन, तो उसकी बात करते हैं। देखो कौन कौन से संचालित हो रहे हैं आपके, एक तो दोस्तों आपका राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, कौन सा आपका राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें आपके मंडल पुस्तकालय है, कौन से हैं आपके मंडल पुस्तकालय, ये मंडल पुस्तकालय भी किसके अधीन आपके हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की बात कर रहे हैं। एक आपका दोस्तों जिला पुस्तकालय, ठीक है। एक दोस्तों आपका है पंचायत समिति पुस्तकालय, ये क्या हो रहे हैं आपके इस तरह के आपके पुस्तकालय भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित हो रहे हैं। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय दोस्तों अपन बात करें राजस्थान में कितने आपके, एक। मंडल पुस्तकालय के दोस्तों बात करें आपके कितने हैं आपके, सात। जिला पुस्तकालय में दोस्तों बात करें कितने आपके, 33, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर राज्य केंद्रीय पुस्तकालय एक है, मंडल पुस्तकालय सात, जिला पुस्तकालय 33, पंचायत समिति पुस्तकालय कितने आपके, 282, ठीक है। 2016 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में मंडल पुस्तकालय कितने हैं आपके, सात। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, पंचायत समिति पुस्तकालय कितने संचालित हो रहे हैं राजस्थान में, 282। एक क्वेश्चन पूछे बन के आया था आपका, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करते हैं, तो दोस्तों वह किसके अधीन करते हैं कार्य, आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर आपके जो पंचायत समिति पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय आपका, ये पंचायत समिति पुस्तकालय। दोस्तों इस पंचायत समिति पुस्तकालय की दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर जो आपका पंचायत समिति पुस्तकालय है इसकी अपन बात करते हैं, इसको दो भागों में इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में इसको विभाजित किया है। देखो दो भाग कौन कौन से हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको पंचायत समिति, क्या पूछा जाए आपको, पंचायत समिति के मुख्यालयों में, ठीक है, पंचायत समिति के मुख्यालयों के परिसर में कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, क्या पूछा जाए आपको, पंचायत समिति के मुख्यालयों के परिसर में, मुख्यालय के परिसर में कितने पुस्तकालय, ठीक है, कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं। तो दोस्तों कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं आपको पूछा जा सकता है, कितने आ रहे हैं आपके, तो दोस्तों वह हो रहे हैं आपके 6, कितने हो रहे हैं आपके 6। एग्जाम में पूछा जा सकता है पंचायत समिति के मुख्यालयों के परिसर में कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, 6। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका कि तहसील पुस्तकालय भी इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हीं को, क्या बोलते हैं अपन, तहसील पुस्तकालय, तो कितने हो गए आपके 6। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन क्या बन के आता है आपका, माध्यमिक शिक्षा विभाग, क्वेश्चन क्या बन के आता है आपका, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सॉरी माध्यमिक विद्यालय, यहां से क्वेश्चन क्या बन के आएगा आपका, माध्यमिक विद्यालय के परिसर में, माध्यमिक विद्यालय के परिसर में कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, इसको दो भागों में इसको डिवाइड किया है, पंचायत समिति के मुख्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में। तो देखो माध्यमिक विद्यालयों के जो परिसर में संचालित हो रहे हैं आपके 276, ठीक है। यहाँ पर पंचायत समिति के जो आपका है इसको दो भागों में डिवाइड किया है, पंचायत समिति के मुख्यालय में और माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में। माध्यमिक विद्यालय के परिसर में 276 संचालित हो रहे हैं और पंचायत समिति के मुख्यालय में 6। तो एग्जाम में आज भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखो दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर आपके कुल की बात करते हैं, यहाँ पर आपके टोटल कितने संचालित हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए आपके 323, कितने हो गए आपके, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, राजस्थान में टोटल या कुल सार्वजनिक पुस्तकालय कितने संचालित हो रहे हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन, कुल कितने हो रहे हैं आपके 323 सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों बेसिक सी बात करती। अब देखो यहाँ पर जो है अभी जो करंट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपका बन के आ सकता है कि आपका 4/9 क्या है, 4/9/2017 को, क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, 4/9/2017 को कितने सार्वजनिक पुस्तकालयों का नामकरण बदला गया, ठीक है। दोस्तों 4/9/2017 को आपके
35 सार्वजनिक पुस्तकालय, कितने हैं आपके यहाँ पर, 35 सार्वजनिक पुस्तकालयों का नाम बदला गया, ठीक है, 35 सार्वजनिक पुस्तकालयों का नाम बदला गया है, ठीक है, ये अपन बोर्ड से इनका नामकरण हुआ है, कब हुआ है, 4/9/2017 को, देखो नामकरण पहले क्या था, इससे पहले के की बात करें कि 4/9/2017 से पहले क्या नाम था इसका, वह था आपका राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या था, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, पहले राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय था, लेकिन क्या होता है 4/9/2017 कब आपके 4/9/2017 को आपके जो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय थे 35, इनका नाम क्या कर दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या कर दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, एग्जाम के लिए आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने सार्वजनिक पुस्तकालयों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम किया गया, तो कितने होंगे आपके 35 सार्वजनिक पुस्तकालयों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब देखो ये तो दो आपका किया गया है आपके 2017 में, वापिस क्या होता है, ये आपके गवर्नमेंट आपके जो बीजेपी सरकार थी उस वक्त क्या गया था, जब लगभग आपके जब जितने भी सरकारी विभाग थे उनके उन सभी विभागों के आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरकारी सालों जो आपके सरकारी विद्यालय थे उनके भी लगभग अलग पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया, और भी अन्य विभाग थे सरकारी विभाग तो उनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया था आपके किसके द्वारा, आपके बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें आपका जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है ये भी चपेट में आ गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वापिस पुनः कौन सी गवर्नमेंट आती है आपकी, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाती है, लेकिन 6 महीने बाद में क्या है 10/6/2019 कब आपके 10/6/2019 को इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वापस क्या कर दिया, पुनः नाम बदल दिया, क्या कर दिया, पुनः नाम बदल दिया, ठीक है, पुनः नाम बदल दिया, और पुनः नाम क्या बदल दिया गया है यहाँ पर, जो नाम बदला गया है दोस्तों वह बदला गया है, क्या बदला गया आपके वापिस राजकीय, क्या कर दिया, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय इनका नाम है, पुनः इनका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक तो किया गया है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है वह तो किया गया आपका 4/9/2017 को, कितने पुस्तकालयों का 35, पुनः आपके 10/6/2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किया गया, कितने पुस्तकालयों का किया गया दोस्तों, तो ये पुस्तकालय कितने आपके 35 पुस्तकालयों का इन्हें वापिस इनका पुनः नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं राजस्थान में क्या है, जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कितने कंप्यूटराइज पुस्तकालय कार्य कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कितने सार्वजनिक पुस्तकालय कंप्यूटराइज पुस्तकालय हैं जो कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं दोस्तों, इसको एक बार लिखना चाहो लिख लो, नोट डाउन कर लो, उसके आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो अपन दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड पुस्तकालयों की, क्वेश्चन क्या आपका कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन कितने कंप्यूटराइज पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, देखो जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन जो पुस्तकालय कितने आपके संचालित हो रहे हैं आपके 323 में क्या है आपका कंप्यूटराइज पुस्तकालय कि कितने सार्वजनिक पुस्तकालय कंप्यूटराइज हैं, तो राजस्थान में ध्यान रखना दोस्तों आपके राजस्थान में कितने कंप्यूटराइज पुस्तकालय हैं कितने हैं आपके 40, ठीक है, राजस्थान में आपके 40 सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है आपके राजस्थान में दोस्तों आपके 40 सार्वजनिक पुस्तकालय कंप्यूटराइज पुस्तकालय है क्या है आपके कंप्यूटराइज पुस्तकालय है, ठीक है, कंप्यूटराइज पुस्तकालय है, ये भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, अधीनस्थ जो बोर्ड है कभी कभार थोड़ा डीपली भी एग्जाम के लिए जा सकता है, तो कंप्यूटराइज पुस्तकालय कितने हैं 40 सार्वजनिक पुस्तकालय कंप्यूटराइज पुस्तकालय कितने राजस्थान में कितने पुस्तकालयों में से कुल कितने पुस्तकालयों में से आपके 323 पुस्तकालय में से, ठीक है, जो राजस्थान में 323 है उनमें से 40 है। अब देखो दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर जो 40 पुस्तकालयों में से बात करें अपन यहाँ पर दो ऐसे पुस्तकालय हैं जो वेब बेस्ड क्या है वेब बेस्ड
लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आपकी वेब बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग ही करते हैं। एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, आपके अलग से टॉपिक भी है, जैसे अपन बात करते हैं आपके फिफ्थ यूनिट में टॉपिक भी है, आपके सेकंड ग्रेड में टॉपिक है, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में भी आपका टॉपिक है, ठीक है। जो राजस्थान की बात करें, आप जो वैकेंसी आ रखी है, तो यहाँ पर देखो जो वेब बेस्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका राजस्थान में कितने पुस्तकालय वेब बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। वेब का मतलब यहाँ पर दोस्तों है वेबसाइट। क्या है यहाँ पर आपका वेबसाइट? एक तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपका अलग से बन गया था जो कंप्यूटर सिस्टम पर चलता है, एक जो वेब के माध्यम से चलता है, जो अपन बात करते हैं आपके गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे, आप जो वेब के माध्यम से उनको संचालित कर सकते हो, चला सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से। क्या है वेब बेस्ट? देखो वेब बेस्ट का मतलब यहाँ पर कितने पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं आपके राजस्थान में? आपके दो पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका डॉक्टर राधा कृष्ण, कौन सा है? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। कौन सा है? डॉक्टर राधा कृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय संचालित हो रहा है, जो कि वेब बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। एक दोस्तों एक और आपका पुस्तकालय है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, जो कि कहां का है? ये तो अजमेर का, ठीक है। जो मंडल पुस्तकालय कहां का है? अजमेर का है। और ये कहां पर आपका है दोस्तों? ये आपका है जयपुर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वेब बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कौन से पुस्तकालय कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की पूछे आपको कि एग्जाम के लिए पूछे आपको ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वेब बेस्ड, यहाँ पर वेब की बात करें तो दोस्तों जो है आपका ई लाइब्रेरी, कौन सा है? ई लाइब्रेरी डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन, कौन सा है? डॉट जीओवी डॉट इन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वेब बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर राजस्थान में कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो ई लाइब्रेरी डॉट राजस्थान डॉट जीओवी, ये वेब बेस्ड है, ठीक है, इनका प्रयोग कर दिया। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और डीपली जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं अपन कि राजस्थान में कितने पुस्तकालय आपके इंटरनेट ब्रॉडबैंड का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है आपके राजस्थान में कितने सार्वजनिक पुस्तकालय इंटरनेट ब्रॉडबैंड का प्रयोग कर रहे हैं? देखो ब्रॉडबैंड का मतलब यहाँ पर है इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इंटरनेट का कितना प्रयोग, कितने सार्वजनिक पुस्तकालय कर रहे हैं आपके? 31 सार्वजनिक पुस्तकालय इंटरनेट ब्रॉडबैंड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की पूछे कि राजस्थान के सार्वजनिक कितने पुस्तकालय में कंप्यूटर स्थापित किया गया, तो कितने पुस्तकालय में किया गया? 40, ठीक है। 40 में से आपके 31 तो कंप्यूटर प्लस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं ब्रॉडबैंड का, और जो 9 बज के आपके वो क्या करते हैं आपके केवल और केवल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, बाकी का एक भी पुस्तकालय में क्या है आपके इंटरनेट या कंप्यूटर स्थापित ही नहीं किया गया है। किसके द्वारा? आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा, ठीक है। ये तो दोस्तों बेसिक सी बात हो गई। अब इसी ऊपर वापस आते हैं अपन, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग पर आते हैं दोस्तों। देखो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में आपको मिलता है राजस्थान, क्या मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय नियम, ठीक है। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय नियम ये कब बनाए गए आपके? देखो यहाँ पर राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय नियम बनाए गए 2012 में। अपन दोस्तों अधिनियम की ना ही बात करें, अगर आपको पूछे अधिनियम, तो अधिनियम कब आता आपका? राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो अधिनियम आता है वह तो आता आपका 2006 में, और राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए तो दोस्तों जो नियम बनाए गए वो 2012 में बनाए गए हैं, ठीक है, बना दिया यहाँ पर। एक और यहीं पर मिलता है भाषा एवं पुस्तकालय, क्या है मिलता आपको? भाषा एवं पुस्तकालय, भाषा एवं पुस्तकालय नियम, क्या मिलता आपको? भाषा एवं पुस्तकालय नियम मिलते हैं। इसको दोस्तों अपन बोलते हैं राज्य एवं अधीनस्थ नियम भी बोलते हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की। ये कब आते हैं दोस्तों आपके? ये आते हैं 2013 में, ठीक है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के जो नियम आए हैं 2013 में आए हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों इसी इन नियमों में एक बार संशोधन भी किया गया है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है
दिनेश बोर्ड के द्वारा पूछ भी लेता है कि आपके द्वारा इनमें संशोधन कब किया गया है। इनमें दोस्तों जो नियमों में संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया है, वो कब किया जाता, 2015 में इनमें संशोधन किया जाता है। किसमें किया गया है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के नियमों में 2015 में संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सी जानकारी थी, ऐसे एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहीं से एक और क्वेश्चन बन के आता आपका, लेवी राशि क्वेश्चन क्या बन के आता आपका, जो कि दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपका कभी कभार बन के पूछ लिया जाता है कि लेवी राशि क्या है आपका। लेवी राशि देखो दोस्तों, अपन बात करें लेवी राशि किसे का, तो ये भी आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग से संबंधित है कि लेवी राशि किसे कहते हैं। इससे पहले दोस्तों अपन बात करें आपके राजस्थान में उपकर की बात करते हैं। अभी आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए नियमों में से संबंधित है तो वो कौन सा आपका उपकर है। तो राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए दोस्तों आपके उपकर नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता आपका, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उपकर नहीं लिया जाता है। उपकर के दोस्तों जगह आपके राजस्थान में क्या ली जाती है, आपके लेवी राशि ली जाती है। क्या ली जाती है आपके राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, लेवी राशि ली जाती है। देखो लेवी राशि की बात करें, ये होती क्या है, देखो राजस्थान में क्या है आपके, राजस्थान में जितनी भी क्या है, राजस्थान में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है, राजस्थान में जितने भी पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है, ठीक है, राजस्थान में जितनी पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है उन पर 3% लेवी राशि के रूप में, उन पर 3% लेवी राशि के रूप में लिया जाता है, उन पर 3% लेवी राशि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कितना प्रतिशत लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर वह लिया जाता है 3% लेवी राशि के रूप में लिया जाता है। दोस्तों अभी यहाँ पे इस वीडियो के नीचे शुभचिंतक कमेंट भी करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि सर 13% ली जाती है। ठीक है, कई जो गाइड्स में आपको 13 मिलता है, कई शुभचिंतक बताते हैं आपकी 13% ली जाती है। तो ध्यान रखना जो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अनुसार बात कर रहा हूँ, या अपन बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार बात कर रहा हूँ, कितने लेवी राशि ली जाती है आपकी 3%, ना कि आपके 13% लेवी राशि रूप में ली जाती है। ठीक है, ये लेवी राशि दोस्तों किस पर ली जाएगी, ये आपके राजस्थान में ध्यान रखना है, जो किस पर ली जाएगी, राजस्थान जितनी पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है, क्या आपके राजस्थान में जितनी पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है उन पर दोस्तों आपके 3% ली जाती है। इस लेवी राशि की दोस्तों बात करें, ये कौन से विभाग के द्वारा ली जाती है, क्वेश्चन बन सकता है कौन से विभाग के द्वारा ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कौन से विभाग के द्वारा ली जाती है। देखो कौन से विभाग की बात करें, उस विभाग का दोस्तों नाम क्या है आपका, माध्यमिक शिक्षा विभाग। क्या नाम है आपका, माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में 3% लेवी राशि के रूप में ली जाती है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपका कि क्या बनता है आपका, राजस्थान में पुस्तकालयों के लिए या राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कितनी लेवी राशि ली जाती है, 3%। कौन से विभाग के द्वारा ली जाती है, तो विभाग का नाम क्या आपका, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ली जाती है। अब देखो दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा इस लेवी राशि को ले लिया, इस लेवी राशि को, ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग आपके दो भागों में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। कितने भागों में डिवाइड करता है, ये अपन बात करें दोस्तों, ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसको क्या करता है, दो भागों में क्या करता है, इसको दोस्तों दो भागों में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। कितने भागों में, इसको दो भागों में इसको डिवाइड करता है। अब देखो दो भागों में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन देखा किसको, ये दोस्तों दो भागों में डिवाइड करने के बाद में किसको देखा, एक तो दोस्तों देखा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, किसको देखा, ये भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को देखा। और दूसरा जो देखा दोस्तों आपको किसको देखा, आपके RRRF को देखा। किसको देखा, ये लेवी राशि को, एक तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को और एक किसको देखा, RRRF को देखा। ये जो लेवी राशि किस अनुपात में देखा, इस दोनों को अनुपात की बात करें दोस्तों, अनुपात देखा 4:6। ठीक है, क्या देखा आपको, 4:6 में देखा। इसी को दोस्तों अपन काट के करें तो कहीं गाइड्स में आपको देखो एक मिल सकता है, आपको 2:3 भी मिल सकता है। ठीक है,
तो इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको लेवी राशि किस अनुपात में दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, तो 4:6 अगर इसको काट दें 2:3। कई कई जगह दोस्तों को एग्जाम में अगर ये नहीं मिलती है तो 40:60 भी मिल सकता है, ठीक है, 40%, 60%, तो इसको काटने के बाद में वापस यही आता है। ठीक है, देखो जो जैसे अपन सपोज करते हैं ये कैसे बांटेगा, सपोज करते हैं दोस्तों अपन ने राजस्थान में क्या होती है आपके लेवी राशि के रूप में 10,000 रुपए क्या होती है इकट्ठी होती है, कितनी होती है 10,000 रुपए के रूप में, जो पाठ्य पुस्तकें बिक्री होती है उन पर 10,000 रुपए इकट्ठी होती है। इसके बाद में क्या करेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग इसको 4:6 में बांट देगा, तो ये जो भाषा पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत कितनी आएगी 4,000 और ट्रिपल आरएलएफ के अंतर्गत कितना आएगी राशि आपके 6,000 रुपए अंतर्गत आएगी। दोस्तों कई गाइड्स में आपको ये भी मिलेगा, आपको इसका उल्टा मिलेगा, क्या मिलेगा कि भाषा पुस्तकालय विभाग को 6 दिया जाता है और माध्यम आपके जो आपका ट्रिपल आरएलएफ कितना दिया जाएगा आपका 4 दिया जाएगा, तो ये गलत है, वहां पर करेक्शन कर लेना। जो भाषा पुस्तकालय विभाग की वेबसाइट है जो ऑथेंटिक है जिसके द्वारा डेटा प्रोवाइड करवाया गया है वो क्या बताती है आपकी, ठीक है, वो बताती है कि भाषा में पुस्तकालय विभाग को 4:6 दिया जाएगा और ट्रिपल आरएलएफ कितना दिया जाएगा 6:6 दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को जो आपका है इसको बांटा गया है, इसी को क्या बोलते हैं मैचिंग शेयर और नॉन मैचिंग शेयर भी बोलते हैं। तो ये जो आपका 4:6 है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं राज्य अंशदान भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इसको दोस्तों बोल सकते हैं राज्य अंशदान भी बोल सकते हैं अपन, और इसको दोस्तों अपन बोल सकते हैं मैचिंग शेयर भी कह सकते हैं। और ये कौन सा होगा दोस्तों आपके, ये जो होगा आपका नॉन मैचिंग शेयर, कौन सा होगा आपका ये दोस्तों, जो होगा आपका नॉन मैचिंग शेयर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा आपका मैचिंग शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करना था नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों एक बार इसका। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें अपन बात करें, अगर एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जा सकता राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या मिल सकता है आपको यहाँ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा कितनी ले आपके कितना मैचिंग शेयर दिया जाता है, देखो अपन बात करते हैं आपकी, अगर दोस्तों आपके बन के आए क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है यहाँ पर, अगर मैचिंग शेयर से नहीं बन के आया तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, एक और यहाँ थोड़ा सा टच में होता है सिलेबस में नहीं आपके, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय, क्या बोल सकते हैं इसको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसार कितना मैचिंग और नॉन मैचिंग शेयर दिया जाता है दोस्तों, वह आपका 75:25 के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना यहाँ पर, ये वैसे टॉपिक आपका अलग से है, इस अभिलेखागार की स्थापना होती है 1890 में स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो अपन दोस्तों बात करते हैं आपके भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सी हो रहा रहेगी आपकी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या मिलता है आपको।